जैन साधु भगवंतों के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं और इसीलिए दीक्षा लेने के बाद वो शायद दुखी रहते होंगे। इस विषय के एपिसोड 1 में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अब एपिसोड 2 में बाकी के 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अगर हम बात करें आनंद की, हैप्पीनेस की, तो बिंदास चैलेंज के साथ कोई भी बोल सकता है कि जैन साधु को अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और चेहरे पर झलकती भी है। अगर किसी को साधु जीवन बहुत दुख भरा लग रहा होगा तो लॉजिकली सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 2 से 3 दिन अथवा 1 से 2 महीने बिना कुछ बोले सहन कर लेगा, वर्षों वर्षों तक क्यों सहन करेगा। पॉइंट नंबर 6, एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके आनंद का यह है कि वे वर्तमान में जीते हैं, प्रेजेंट में। दुनिया तो आज इस बात को कह रही है कि लिव इन प्रेजेंट, वाई वरी अबाउट फ्यूचर। आज दुनिया को मानसिक शांति का ये सूत्र मिला है, लेकिन अनादिकाल से गुरु भगवंत यही कहते आए हैं, वर्तमान जोग, अर्थात भविष्य में जो परिस्थिति होगी, जो सहयोग होंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से तब देखेंगे। दूसरी तरफ हम कल के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, परसों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, भविष्य के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उस कल के लिए, उस भविष्य के लिए जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। इसी कारण से वे आनंद में रहते हैं और हम टेंशन में रहते हैं। अगर मानसिक तनाव की तुलना की जाए तो हमारे और जैन साधु साध्वी जी भगवंतों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बात यह है कि हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर से ऊपर कभी नहीं उठते। साधु और हम में यही फर्क है कि वे आत्मा के बारे में सोचते हैं और हम सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाते हैं। जब व्यक्ति आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाता है तब भयानक कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उसे उस ट्रेनिंग के कष्ट में भी आनंद ही आता है, क्योंकि लक्ष्य उसका सोल्जर बनना है। अर्थात यदि लक्ष्य को पाने में कष्ट झेलने पड़े तो वो कष्ट में दुख नहीं लगता, आनंद ही होता है। साधु जीवन में शारीरिक कष्ट भले हो, लेकिन मानसिक आनंद का कोई पार नहीं होता। और बाकी हम दुनिया में देख ही रहे हैं, अनेकों सुख सुविधा होने के बावजूद लोगों को रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नींद की दवाइयां लेनी पड़ती है। अर्थात शारीरिक आनंद थोड़ा बहुत संसार में हो सकता है, लेकिन मानसिक आनंद तो साधु की तुलना में न के बराबर है। इसका मूल कारण है राग। राग जितना ज्यादा तकलीफ उतनी ज्यादा, राग जितना कम तकलीफ उतनी कम। कुल मिलाकर साधु भगवंतों का लक्ष्य आत्म कल्याण है, राग द्वेष रहित होना है, और उस आत्म कल्याण में शारीरिक कष्ट भी आनंद रूप ही लगता है। जिन शासन के श्रमण श्रमणी भगवंतों के दर्शन हम कर पाते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे श्रमण श्रमणी भगवंतों की सर्वांगीण प्रगति, विशिष्ट भक्ति, सुंदर वैयावच, अध्ययन अध्यापन व्यवस्था तथा वृद्ध एवं बीमार श्रमण श्रमणी भगवंतों की सेवा के मुख्य लक्ष्य से सूरत नगरी में निर्मित महाविदेह धाम की यात्रा एक बार जीवन में करने जैसी है, जहाँ मुख्य रूप से 500 श्रमणी भगवंतों की, यानी कि साध्वी जी भगवंतों की सेवा भक्ति एक समय पर एक साथ हो सकेगी। ऐसी संस्था के दर्शन अवश्य जीवन में एक बार कीजिएगा।